फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमृता एंड यू आर वॉचिंग स्पोकन इंग्लिश चैनल. सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट हाउ डू वी कॉल वेजिटेबल इन इंग्लिश, मीन्स वेजिटेबल वोकेबलरी. एंड वन मोर थिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो, इट्स अबाउट हाउ डू वी कन्वर्सेशन इन वेजिटेबल मार्केट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हिंदी में हम इसे आलू कहते हैं एंड इन इंग्लिश वी कॉल इट पटेटो. इट्स प्रोनाउंसिएशन इज पटेटो. सेकेंड इज लहसुन. लहसुन को हम इंग्लिश में कहते हैं गार्लिक, गार्लिक. थर्ड इज हम जिसे फली कहते हैं, चवला फली. इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्लस्टर बीन्स, क्लस्टर बीन्स. नेक्स्ट इज टमाटर. टमाटर को इंग्लिश में कहते हैं टमेटो. इट्स प्रोनाउंसिएशन इज टमेटो, टमेटो. नाउ नेक्स्ट इज प्याज या कांदा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओनियन, अनियन. ओके, नॉट ओनियन, इट्स अनियन, अ अनियन. नेक्स्ट इज गाजर. गाजर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैरेट, कैरेट. नाउ नेक्स्ट इज मूली. मूली को हम इंग्लिश में कहते हैं रेडिश, रेडिश. ककड़ी या खीरा, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूकम्बर, क्यूकम्बर. नेक्स्ट इज पत्ता गोभी. पत्ता गोभी को हम इंग्लिश में कहते हैं केबेज, केबेज. फूल गोभी. फूल गोभी को इंग्लिश में कॉलीफ्लावर कहा जाता है, कॉलीफ्लावर. लाल मिर्च, इसे हम चिली कहेंगे. ग्रीन होगी तो ग्रीन चिली, हरे कलर की होगी तो ग्रीन चिली. नाउ नेक्स्ट इज शिमला मिर्च. और शिमला मिर्च को हम इंग्लिश में कहते हैं कैप्सिकम, कैप्सिकम. नाउ नेक्स्ट इज भिंडी. और भिंडी को हम इंग्लिश में कहते हैं लेडी फिंगर, लेडी फिंगर. नेक्स्ट इज कद्दू. कद्दू को हम इंग्लिश में कहते हैं पम्पकिन, पम्पकिन. लौकी. लौकी को इंग्लिश में कहा जाता है बॉटल गॉर्ड. गिलकी. गिलकी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पंज गॉर्ड. ओके, नेक्स्ट बैंगन है. बैंगन को हम इंग्लिश में ब्रिंजल या एग प्लांट, दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज पालक. पालक को हम इंग्लिश में स्पिनेच कहते हैं, स्पिनेच. मेथी. मेथी को हम फेनुग्रिक कहते हैं, फेनुग्रिक. अदरक. अदरक को जिंजर कहा जाता है, जिंजर. नींबू को हिंदी में नींबू इसको कहते हैं और इंग्लिश में कहा जाता है लेमन, लेमन. चुकंदर. चुकंदर को हम इंग्लिश में कहते हैं बीट रूट, बीट रूट. शकरकंद. शकरकंद को हम इंग्लिश में कहते हैं स्वीट पटेटो, स्वीट पटेटो. करेला. करेला को इंग्लिश में बिटर गार्ड बोलते हैं, बिटर गार्ड. धनिया पत्ती या कोथमीर को कोरिएंडर लीव्स कहा जाता है, कोरिएंडर लीव्स. कड़ी पत्ता, करी लीफ. इन इंग्लिश वी कॉल इट करी लीफ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्वर्सेशन इन वेजिटेबल मार्केट. किस तरह से हम वेजिटेबल मार्केट में कन्वर्सेशन करेंगे, आइए देखते हैं. मैं सब्जी मंडी जाने वाली हूँ, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम गोइंग टू द वेजिटेबल मार्केट. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हें भी मेरे साथ सब्जी मंडी चलना है? सो वी कॉल इट डू यू वॉन्ट टू कम अलॉन्ग विथ मी टू द वेजिटेबल मार्केट. डू यू वॉन्ट टू कम, क्या तुम्हें मेरे साथ आना है अलॉन्ग विथ मी टू द वेजिटेबल मार्केट. इस तरह से हम इसका कन्वर्सेशन करेंगे. सब्जी मंडी या सब्जी बाजार कहाँ है, अगर किसी से पूछना है तो हम कहेंगे वेयर इज द वेजिटेबल मार्केट, वेयर इज द वेजिटेबल मार्केट. यह रास्ता सब्जी मंडी की तरफ जाता है. अगर यह हमारा क्वेश्चन है कि क्या यह रास्ता सब्जी मंडी की तरफ जाता है, सो वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन लाइक डज दिस रोड लीड टू द वेजिटेबल मार्केट, डज दिस लो रोड लीड टू द वेजिटेबल मार्केट. ओके, टमाटर है क्या, आपको सब्जी वाले से पूछना है टमाटर है क्या. देन यू कैन आस्क हाउ आर देयर एनी टोमेटोज, आर देयर एनी टोमेटोज. मुझे यह चाहिए, आई वॉन्ट दिस. आपको कोई सब्जी का नाम पता है या नहीं है आपको, तो आप ये कह सकते हैं आई वॉन्ट दिस.
मुझे आधा किलो टमाटर चाहिए। अब हम ये बात कर रहे हैं हाउ मच वी वॉन्ट एनीथिंग। सो यहाँ बात हो रही है हमें आधा किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए या पाव भर चाहिए, इसे हम इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे आइए देखते हैं। आई वुड लाइक हाफ अ किलो ऑफ टोमेटोज। आई वुड लाइक हाफ अ किलो ऑफ टोमेटोज। मुझे 1 किलो आलू चाहिए। आई वॉन्ट 1 किलो ऑफ पटेटोज। आई वॉन्ट 1 किलो ऑफ पटेटोज। मुझे पाव किलो भिंडी तो ज़रा देना। आपको सब्जी वाले से पाव किलो भिंडी चाहिए। हाउ यू कैन आस्क दिस। गिव मी अ क्वार्टर किलो ऑफ लेडी फिंगर। गिव मी अ क्वार्टर किलो ऑफ लेडी फिंगर। आज आपके पास फूल गोभी नहीं है। सब्जी वाले के पास अगर आपको कॉमनली कोई सब्जी रोज़ दिखती थी पर आज आपको नहीं दिख रही है, तो फूल गोभी या और भी कोई सब्जी हो आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड देन यू कैन आस्क, आज आपके पास फूल गोभी नहीं है। डोंट यू हैव कॉलीफ्लावर टूडे। यह क्या है? आपको कोई सब्जी का नाम नहीं पता है, यू कैन आस्क देम वॉट इज़ इट। इसे क्या कहते हैं? वॉट इज़ इट, वी वॉट वी कॉल इट। वी कैन ऑल्सो आस्क दिस। यह ताज़ा है ना? क्या यह ताज़ा है? आपको पूछना है किसी सब्जी में, आपको फ्रेशनेस उसके बारे में पूछना है, आइदर इट इज़ फ्रेश और नॉट। सो यू कैन आस्क इट डायरेक्टली, दिस इज़ फ्रेश इजेंट इट, क्या यह फ्रेश है? इसकी कीमत कितनी है? वॉट इज़ द प्राइज ऑफ दिस। वॉट इज़ द प्राइज ऑफ दिस। ज़रा टोकरी मुझे दो तो। आपको टोकरी चाहिए, यू वॉन्ट टू सिलेक्ट सम वेजिटेबल्स, तो आप क्या कह सकते हैं? पास मी द बास्केट। पास मी द बास्केट। भाव कम नहीं करोगे क्या? इफ़ यू वॉन्ट टू बार्गेन विद अ वेजिटेबल सेलर, वॉट यू कैन आस्क डायरेक्टली इज वॉन्ट यू गिव मी अ डिस्काउंट। वॉन्ट यू गिव मी अ डिस्काउंट, क्या मुझे डिस्काउंट नहीं दोगे? आपके पास छुट्टे पैसे हैं क्या? डू यू हैव चेंज। डू यू हैव चेंज। नहीं, मुझे प्लास्टिक बैग नहीं चाहिए। आपको प्लास्टिक बैग अगर नहीं चाहिए तो आप उसे इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं, नो आई डोंट वॉन्ट अ प्लास्टिक बैग। नो आई डोंट वॉन्ट अ प्लास्टिक बैग। हाँ ठीक है, शुक्रिया, मेरे पास थैली है। अगर आपको सब्जी वाले को कहना है कि मैं अलग से थैली लाया हूँ, मुझे प्लास्टिक का बैग नहीं चाहिए, शुक्रिया, तो आप कह सकते हैं यस इट्स ओके, थैंक यू, आई हैव अ बैग। आई डोंट नीड प्लास्टिक बैग एंड आई हैव अ बैग। ओके, सो दीज आर सम कन्वर्सेशंस। वेजिटेबल वोकेबलरी के साथ साथ हमने वेजिटेबल मार्केट में किस तरह से कन्वर्सेशन किया जाए, ये दोनों ही चीज़ों को इस वीडियो में रखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल पाए। थैंक यू सो मच।